प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने झारखंड दौरे पर हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वह आदिवासियों के कल्याण से जुड़ी हैं। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, आदिवासी विकास के लिए उनका विजन हमारी पूंजी है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का मानना था कि देश का विकास तब हो सकता है जब जनजातीय समाज का विकास हो। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सही दिशा में किया गया प्रयास सही परिणाम देता है। योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही पीएम मोदी ने देश के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इस अभियान पर 89,150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर रांची हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पीएम मोदी का पिछले 17 दिनों में झारखंड का दूसरा दौरा है। बता दें कि झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत कई बड़े नेता मंच पर उपस्थित रहे। हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। आज यहां से 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है, 25 नए एकलव्य स्कूलों की नींव भी रखी गई है। एकलव्य स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, वहां हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा मिले, इसके लिए हमने हर स्कूल के बजट को भी करीब दोगुना कर दिया है। भाइयों और बहनों, जब सही प्रयास किए जाते हैं तो सही परिणाम मिलता ही है। मुझे विश्वास है हमारे आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे और उनके सामर्थ्य का लाभ देश को मिलेगा।